जी हाँ दोस्तों, मास महाराजा रवि तेजा की पेन इंडिया अपकमिंग मूवी के बारे में अपडेट्स देने वाला हूँ, जिसका नाम है टाइगर नागेश्वर राव। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मूवी हमें कब और कहाँ देखने को मिलेगी और इस मूवी का रिलीज डेट कब रखा जा सकता है। अगर आप भी रवि तेजा के फैन हो और टाइगर नागेश्वर राव को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू न्यू मूवी का अपडेट्स और रिलीज डेट बताता रहता हूँ। मैं हूँ अभी, ये है बड़ा सिनेमा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टाइगर नागेश्वर राव तेलुगु भाषा की रवि तेजा की फर्स्ट पैन इंडिया अपकमिंग मूवी होने वाली है, जिसको डायरेक्ट कर रहे वामसी। मैं आपको बता दूं कि वामसी जो इससे पहले मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, वो उस मूवी का नाम है महर्षि, ओपिरी एवडू जैसे फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। वही टाइगर नागेश्वर राव मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे मास महाराजा रवि तेजा, निपुर सैनन, गायत्री भरद्वाज, रेणु देसाई के साथ साथ अनुपम खेर भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो इस मूवी का कहानी आधारित होने वाली एक रियल लाइफ बायोग्राफी के ऊपर, जहाँ पर हम सभी को दिखाया जाएगा टाइगर नागेश्वर राव के नाम के एक लड़के के ऊपर, जिसने अपने जिंदगी में 1980 के दशक में कितने बड़े बड़े क्राइम किए होते हैं। उसे पुलिस पकड़कर जेल के सलाखों के अंदर डाल देती है, तब वह किस तरह से जेल से फरार हो जाता है, वही देखने वाली बात है कि फिर उसे पुलिस दोबारा पकड़ पाती है या नहीं। बात करें इस मूवी का कब रिलीज डेट रखा जा रहा है, उससे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप रवि तेजा के किस मूवी का वेट कर रहे हैं हिंदी में देखने के लिए। वही जो टाइगर नागेश्वर राव से जो खबर निकल कर आ रही कि ये मूवी हमें देखने को मिलेगी 2023 में मार्च के महीने में, और इस मूवी का ट्रेलर फरवरी के महीने में हमें देखने को मिलेगी। जैसे ही इस मूवी से और कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में सूचित कर देंगे। ऐसे ही न्यू न्यू साउथ मूवी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना। अब मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।